हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मैं बहुत ही टेस्टी, एकदम मुंह में घुल जाने वाली मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ। इस मिठाई को मैंने बिना गैस जलाए, बिना खोआ के, बिना मावा के ये मिठाई बनी हुई है। और इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस मिठाई को बनाया है। तो इस मिठाई को मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितनी टेस्टी और कितनी डिलीशियस है। ये देखिए, इसका टेक्सचर देखिए कितना टेस्टी है। और इसमें मैंने बहुत ही कम चीज़ डाली है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इस मिठाई में आपको घी अच्छी मात्रा में लगेगा। और ये घी है, इस घी को मैंने 4 बड़े चम्मच, यहाँ एकदम बड़े चम्मच से 4 बड़े चम्मच मैंने घी डाल दिया है। और इस घी को बहुत ही अच्छे से फेंटना है, तो एकदम सॉफ्ट हो जाए घी, एकदम देखिए इस तरह का सॉफ्ट हो जाए। और भी मैं अच्छे से फेंटूँगी तो एकदम घी परफेक्ट आपको फेंट लेना है। तो ये देखिए, चम्मच की सहायता से, आप फोक की सहायता से भी अच्छे से इस घी को मेल्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैं और इसको फेंट लूँगी। तो ये फेंट चुकी है। और अब मैंने इसमें देखिए एक चीज़ है, ये मिश्री है, तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, मिश्री डाला है। मिश्री को मैंने तोड़ के और मिक्सर के जार में पीस लिया है। तो ये मिश्री का पाउडर मैं इस मिठाई में डालूँगी। और ये देखिए, ये घी एकदम परफेक्ट रेडी है। और अब मैं इसमें मिश्री है वो मैं मिला दूंगी। ये ताड़ मिश्री होता है तो सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो देखिए, इस तरह से आपको अच्छे से चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, घी इसमें मैंने और 2 चम्मच डाल दिया है। और इस तरह का आपको डो तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, मेरा डो एकदम परफेक्ट डो तैयार हो चुका है। और अब हम भुना हुआ चना लेंगे। ये देखिए, ये भुना हुआ चना है। और अब हम इसको थाली में डाल के इसका सारा जो छिलका है हाथों से रगड़ के निकाल लेंगे। आप चाहें तो कपड़े से भी रगड़ के इसका छिलका निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो ये देखिए, इसके छिलके को मैं निकाल ली हूँ। अब इस तरह का चना हो गया है और ये इसके छिलके निकल गए हैं। ये देखिए, इस तरह से चना है और ये इसके छिलके निकल चुके हैं। और अब हम मिक्सर के जार में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। तो इसका देखिए पाउडर एकदम रेडी हो चुका है। और अब हम इस पाउडर को सत्तू को अच्छे से छान लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम छान लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है। अब बिना गैस जलाए, बिना कुछ किए बहुत ही परफेक्ट ये मिठाई बनती है। ये देखिए, इसमें कुछ ये टुकड़े हैं, उसको आपको निकाल लेना है। और इसमें मैंने 1 बड़े चम्मच और घी डाल दिया है। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो ये देखिए, काफ़ी हेल्दी ये मिठाई होती है। और इस मिठाई को आप 1 से 2 महीने आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और कहीं भी आप सफ़र पे जा रहे हैं तो इस तरह की मिठाई ले जाइए, ख़राब नहीं होती है। तो अब ये देखिए, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके और घी डालते जाऊंगी। तो ये देखिए, घी में ही ये मिठाई बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है। ना मावा की ज़रूरत होती है, ना चाशनी है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। परफेक्ट मिठाई बनती है और बहुत ही आसानी से इसे कोई भी बना सकता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमको इसका एक परफेक्ट डो बना लेना है। तो ये देखिए, हाथों में जब ये एकदम अच्छे से आ जाए, ये देखिए, ये परफेक्ट डो एकदम रेडी हो चुका है इस तरह से। और बहुत ही ये मिठाई मुंह में एकदम घुल जाती है। तो ये देखिए, डो एकदम रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको हाथों से चकले पर, जैसे रोटी बनाते हैं उस तरह का, एक बड़ा सा ऐसे दबा दबा के, हाथों से ऐसे सेट करके ऐसे दबा दबा के हम रोटी के जैसे बना लेंगे, शेप दे देंगे। तो ये देखिए, हाथों से दबा दबा के हम एक पूरा रोटी का शेप दे लेंगे। तो ये देखिए, रोटी का शेप मैंने दे लिया है। और ये देखिए, इस तरह से आपको हाथों से पूरा रोटी का शेप दे लेना है। आप चाहें तो बेलन से कर सकते हैं, लेकिन मैंने बेलन से किया था तो ये ऊपर से थोड़ा चिपक के आता है, तो आप बेलन से मत करिए। और अब ये देखिए, ये कोई भी ढक्कन या कुछ भी ऐसे गोल वाला कटर ले लीजिए, इस तरह से आप इस तरह से मिठाई का कट करिए। बहुत ही मतलब अच्छा, ये एकदम मार्केट जैसी मिठाई लगती है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको दबा के कट कर लेना है। इस तरह से देखिए, पूरी मिठाई को मैंने ऐसे कट कर लिया है। और जो बचा हुआ मिश्रण है उसको भी फिर से आप रोटी जैसे बेल लीजिए और ये पूरी मिठाई को ऐसे कट कर लीजिए। देखिए, एकदम मार्केट जैसी मिठाई आपको लग रही है। तो देखिए, इसका कितना अच्छा से, ये जब आप किसी ढक्कन या किसी चीज़ से काटते हैं तो ये परफेक्ट मिठाई बन जाती है।
तो एकदम परफेक्ट मुंह में घुलने वाली मिठाई बन चुकी है। और अब आप इसको ऊपर से किसी भी चीज़ से, ड्राई फ्रूट से या किसी चीज़ से सजा सकते हैं। तो देखिए एकदम टेस्टी परफेक्ट मिठाई, बिना गैस जलाए, बिना खोआ के, बिना मावा के, बिना चाशनी के। तो ये देखिए आप इसे किसी भी त्यौहार पे बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड।